आलिया, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम और तुम्हारी बेटी जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने के बजाय तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। पूरे दिन भी गुजर जाएंगे और तुम देखना आने वाला वक्त इतना पीड़ा नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क़यामत के गुजरने के बाद एक रोशन दिन आने दें, और वो दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। ऐसा ही होगा। मुझे मालूम है कि सेपरेशन इतनी आसान नहीं होती, इसकी अजियत और इसकी तलखी सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाज़ औकात मर्द औरत का रिश्ता इस बंद गली में आकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आगे आने वाला वक्त भी बुरा है। इस वक्त तो सिर्फ मुझे अपने बेटे की फिक्र है, जिसे कई दिनों से मैंने देखा तक है। नाम तो इसका मारुख है, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। एक तो तुमने उस पर एहसान किया, उसका इलाज पर आके उसको घर लेकर आई, लेकिन उस एहसान फरामोश ने तो तुम्हारी पीठ पर ही वार कर दिया। और मुझे तो इब्राहिम भाई पर हैरत होती है कि वो किस तरह इस औरत पर फिदा हो गए और तुम्हें खुला दिया। मैंने भी इब्राहिम को एक मिसाली मर्द समझा था, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे केस का फैसला जल्द हो जाएगा। हो सकता है जल्द पहले ही पेशी में फैसला सुना दें। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये केस आज ही खत्म हो जाए, ताकि मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज करूँ। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह।